नमस्कार, मैं हूँ रेनू अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। मध्य प्रदेश के मुखिया ने धार में एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली दो बहनों को स्कूल से निकालने की घटना को बड़ी गंभीरता से लिया है। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि पूरे मामले की जांच हो, बेटियों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो, बेटियां शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए, उनका स्कूल में दोबारा प्रवेश सुनिश्चित किया जाए। आपको बता दें कि एसकेपी लाइव न्यूज़ ने इस खबर को प्राथमिकता से दिखाया था। आपको बता दें कि धार के मांडव रोड स्थित एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली नेपाली मूल की दो बहनें अनुष्का और अवनीशा को स्कूल से निकालने की घटना को मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए, उन्हें पढ़ाई से वंचित नहीं होना चाहिए। एक तरफ तो हम नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ बेटियों को स्कूल से निकाले जाने की घटना बेहद आपत्तिजनक है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि पूरे मामले की तत्काल जांच की जाए, बेटियां वापस स्कूल में पढ़ाई करें यह सुनिश्चित किया जाए। इसमें अभिभावकों की गलती भी जांच में सामने आती है तो उसके आधार पर बच्चियों को स्कूल से निकालने का निर्णय पूरी तरह से गलत है। भले ही इन बच्चियों ने देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर न्याय की गुहार लगाई हो, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते प्रदेश की जनता के प्रति प्रथम दायित्व मेरा है। बहन बेटियों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं हो, उनके सम्मान को ठेस न पहुंचाए, यह मेरा दायित्व कर्तव्य है। इसके लिए मेरी सरकार सदैव वचनबद्ध है। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर।